अंबाला कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि अंबाला में 2020 के मुकाबले 2021 में पराली जलाए जाने की घटनाएं 80% कम हुई है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने बताया कि कैसे खेत में ही पराली को सड़ाकर उससे खाद बनाया जा सकता है और पराली की गाठे बनाकर बेचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है और उम्मीद है कि इस अभियान में किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अम्बाला जिला में पराली जलाने की घटनाएं विगत वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में 80% तक पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा व दूसरे कमीशन द्वारा भी इनका संज्ञान लिया जाता है और माननीय ACS महोदय डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर और DC महोदय अम्बाला के मार्गदर्शन में जो भी स्कीमें आती हैं पराली के प्रबंधन के लिए उनका सुचारू क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर 50% तक सब्सिडी ये फसल प्रबंधन की मशीनों पर दी जाती है और CHC लेवल पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। पहले तो किसान अपने आप ही जागरूक हो रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां चल रही हैं लोग अपने आप से आने हो रहे हैं, अब ना आग लगाई जाए और कोई, पर छोटे जिम्मेदार के पास कोई हल नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी है भी, कोई मशीनरी है उसके पास मिट्टी में अपना उसको अपने खेत में ही मिला सके पराली को। जो बड़े जिम्मेदार हैं वो तो ले सकते हैं, जो निचले लेवल के जिम्मेदार हैं वो क्या करेंगे, मजबूरी में उनको आग लगानी पड़ेगी। देखो जी, इसमें तो कोई शक और संदेह नहीं है कि पराली जलाने में कमी आई है, ये इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। लोग खुद जागरूक हो गए, उनके भाई बहन बीमार होने लगे, दिल्ली में बुरा हाल हो जाता था तो लोग समझने लगे भी एक हमारी गलती और मजबूरी की वजह से ये प्रदूषण फैलता है, इसलिए लोगों ने पराली जलानी थोड़ी।